फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, अभी की वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैसे बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और वो इंडिया से हेल्प, मोदी जी से हेल्प मांग रहे हैं कि मोदी जी हेल्प कर दो हमारी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप, हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं। हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हों। मोदी भाई, प्लीज हमारी मदद करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। कौन है? हमें आप मायूस ना करें कि मुमकिन हो सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आपके ऑप्शंस में है ही नहीं। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है, और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। थैंक यू। पहले तो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आजकल हर यूट्यूबर, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कोई इसी टॉपिक के ऊपर, और मैंने भी की है वीलॉग का परसों, मैंने वैसे देखी थी, बिल्कुल आपकी वीडियो जी, मैंने देखी। वो असल में जो हॉट होता है, और फिर उसमें कुछ चीजें अच्छी इंटरेस्टिंग आई थी। आज फिर मेरा इरादा है, एक रात को बनाऊंगा, कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ आपसे शेयर करूंगा, कुछ छुपा के रखूंगा। देखें, टारगेट तो उन्होंने करना था, क्यों करना था? हेड ऑफ अलकायदा, एक उनकी जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म चल रही है, उसमें उन्होंने इसको टारगेट बनाना था। ये सारी चीजें जब मिला के करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप रूल आउट कर जाते हैं कि नहीं, यहां बेस नहीं हो सकता। यहां से जो कहते हैं ना, ओवर द होराइजन हो सकता है, लेकिन यहां पर शमसी में या जैकबाबाद या बलूचिस्तान में कहीं और पॉसिबिलिटीज में बहुत रिमोट है, बहुत रिमोट है। इसका मतलब है, अगर है तो वो फिर चंद खास लोगों को इलम है, और वो फिर इलम फिर निकल जाता है, और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जिस बलूचिस्तान में पीएम मोदी की जय जयकार होती है, उसी बलूचिस्तान के लोगों ने पाक आर्मी को खदेड़ दिया है। अब हाल ही में आई कुछ वीडियो में ये पता चला कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाक आर्मी को खदेड़ दिया है, और इसका कारण ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपनी आजादी चाहता है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और वहां के लोग पीएम मोदी से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान की आजादी में हमारी मदद करें। घर घर जाके मर्दों को अगवा कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं, और वहां की औरतों की बेहरमती कर रहे हैं, बच्चों तक को मार रहे हैं, और घर का सामान जो है, कीमती सामान जो होता है, वो लूट के साथ ले जा रहे हैं। इसके अलावा गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए देहातों के ऊपर जो है वो स्ट्रैफिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, और अभी तक ये कोई पता नहीं चल रहा कि कितनी तादाद में इस वक्त तक बलोच जो है अवाम, उनको शहीद किया जा चुका है। ये जो लोग हैं, इनका ताल्लुक हजारा माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, और हजारा कम्युनिटी को बदतमीज जो है वो टारगेट किया गया है। हजारा कम्युनिटी का बकायदा जेनोसाइड किया जा रहा है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और हजारों की तादाद में जो हजारा हैं, इनको अब तक हटा दिया जा चुका है। बसें रोकी जाती हैं, उनमें से शनाख्त की जाती है हजारों की, उनको उतारा जाता है, उनको गोली मारी जाती है, और इस हवाले से बहुत एहतजाज हुआ है बलूचिस्तान में, क्वेटा में हजारा कम्युनिटी ने एहतजाज किया है, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को ये अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लें। बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीक आजादी है वो वैसी ही है जैसी के ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों ने चलाई थी। तो अगर आपने उस वक्त आकर बंगालियों की मदद की और बंगालियों को पाकिस्तानी फौजी ऑपरेशन के जबर से आपने आजाद करवाया, और आज वो खुशहाल हैं और वो एक आजाद मुल्क बांग्लादेश की शक्ल में अपना वजूद रखते हैं, और पाकिस्तान के जुल्म से उनको निजात मिली है, तो क्या वजह है मोदी भाई कि आप आज पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद करवाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपके बहुत नरम दिल है, दर्दमंद दिल है आपका,
और मैंने आपको भाई बोला है, आपको याद होगा कि करीमा बलोच ने आपको राखी भेजी थी, उसने भी आपको भाई बनाया था। इसी तरह मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, अपना बड़ा भाई समझता हूँ, और मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि खुदारा आप हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाएं। हम जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी भी जान छुड़ाएं। हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप, हम मर रहे हैं। मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हों। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें आप मायूस ना करें। जय हिंद। बलूचिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान का उपयोग करके पैसा तो कमाती है लेकिन वो सारा पैसा ले जाकर या तो खुद रख लेती है या फिर पंजाब और सिंध के विकास में लगा देती है। और इस पैसे को कमाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन बलूचिस्तानी लोगों से ही मेहनत करवाती है और उनकी मेहनत का पैसा खुद ले जाती है। और जब वो अपने अधिकार की बात करती हैं तो पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ मारपीट करती है या उनके घरों में से उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बलूचिस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति आज पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ के लोग और सबसे ज्यादा उनकी गवर्नमेंट से नफरत करते हैं। और कुछ यही कारण है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते और बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते। अब हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा कि जब बलूचिस्तान में बाढ़ आपदा आई तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और जो दुनिया भर से पैसा आया उसे खुद ने रख लिया। बलूचिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी पूरी पूरी मदद करे बलूचिस्तान को एक आजाद देश बनाने में, और भारत सरकार भी उनकी मदद कर रही है लेकिन यूएनओ के नियम के अनुसार भारत डायरेक्ट उनकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बलूचिस्तान का केस भी सेम बांग्लादेश जैसा हो जाता है तो फिर बलूचिस्तान को आजादी दिलाने में भारत उसका पूरा सपोर्ट करेगा। आपने उसकी सराहना की थी, भारत की क्या भूमिका देखते हैं आप बलूचिस्तान की लड़त में? नरेंद्र मोदी साहब का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो है मैंने शुक्रिया अदा किया, आज फिर आपके जरिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, इसने यानी जितना इंटरनेशनलाइज किया इस इशू को बलोच के, मेरे ख्याल में इससे पहले इतना इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है, और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए। बलूचिस्तान में हमारी माए बहने, हमारे भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनपे केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं, हमारी पर इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारी पर इन्होंने। हालांकि यहाँ पर आपका क्या मानना है, क्या भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देख के तो मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ कि इतनी बुरी हालत सुनने में आता है, पर जब सुनो उनके उनके तो रोने निकल रहा था जिस तरह से, और एंड में उन्होंने हाथ भी जोड़ा, उनको याद आ गया था, जैसे वो बोल रहे थे उनको याद आ गया था सिचुएशन का, तो इसलिए उनको आंसू आ गए थे। मगर देखिए पॉइंट ये होता है कि जिस एरिए के लोग हैं उन्हीं को स्टार्ट करनी होती है फाइट, जैसे वहाँ पे मुक्ति वाहिनी कह रहे हैं उन्होंने खुद ही शुरुआत की थी, राइट, उन्होंने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी उसे शुरू किया, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, फिर उन्होंने बोला हमें आर्म्स एम्युनिशन चाहिए, फिर आगे जाके बात बढ़ी। तो अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेप तो लोगों को ही उठना पड़ता है अपने हक के लिए और लड़ना पड़ता है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। एंड अभी जो है डेफिनेटली आई थिंक इंडिया हेल्प करेगा, हर एक को हेल्प करता है, जिस कैपेबिलिटी में जिस कैपेसिटी में आप कर सकते हैं वो मोस्टली होती है एड के हिसाब से कि आपको एड दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है, तो आप हेल्प गुडविल और हेल्प ही कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि इंडिया किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेगा, स्पेशली अभी जहाँ पे इंडिया बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन में जा रहा है चाइना के साथ, जहाँ पे चाइना की
इकॉनमी या जीडीपी 4.5 times या 5 times ज्यादा है, 450% 500% तो उसको कैच अप बोलती हूँ कि मोस्टली हर चीज में देखो 6 times तो कम से कम होता है, 5 times भी आप कह लीजिए, जिसकी 5 times 500% जो आगे है उसको कैच अप करना बहुत ही क्रिटिकल है। और इसमें आप जहाँ जहाँ हेल्प कर सकते हैं विदाउट वॉर आप हेल्प करिए, आप उनको गुडविल दीजिए, उनको खाना भेजिए, उनको डॉक्टर्स भेजिए, जो भी तरीके से गुडविल जा सकती है वहाँ तक जा सकती है, अफगानिस्तान के थ्रू भी जा सकती है क्योंकि अफगानिस्तान में हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से भी बलूचिस्तान में गुडविल जा सकती है। उन्होंने पीओके का भी बोला है कि कैसे उनके हालात है, बिजली नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं। अल्टीमेटली इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही है लोग खुद ही डिमांड करेंगे कि हमें, हमने बहुत पहले यही बात किया था जब ज्वाइन करना, यही ये सब बातें जब रिएक्शन चैनल शुरू किया था तभी हमने अपनी पहली वीडियोस में यही बात की थी कि जब ये होगा तो जब वो देखेंगे कि इंडिया में इतनी डेवलपमेंट है और तुम्हारे यहाँ इतनी कम है, वो खुद खड़े होंगे, और वो ही हो रहा है अब। इट्स बीन हार्डली 2-3 years और उसमें ये फर्क दिख रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।